नाउ इसी चीज को करने का शॉर्टकट हम लोग सीखते हैं. हमारे पास एक इक्वेशन था के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच. इफ आई एज्यूम दैट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच इज क्वाइट लेस देन वन. क्वाइट लेस देन वन का मतलब है 10% से कम. तो 1 का 10% इज 0.1. तो अगर h की वैल्यू 0.1 से कम है तो आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो. तो मैं 1 माइनस h को अप्रोक्सीमेटली 1 लिखूंगा. तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन 1. देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू के एच अपॉन सी. देन एच बिकम्स रूट ऑफ के एच अपॉन सी. एच की वैल्यू ये आ गई. देन हमने अभी अभी ये प्रूव किया था दैट के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी. तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. सो एच बिकम्स के एच की जगह पे के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी. ये आ गया एच. एच प्लस की वैल्यू थी सी इंटू एच. तो सी से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी चीज को. ये सी जब अंडर रूट के अंदर आएगा तो सी स्क्वायर बन जाएगा. एक सी से एक सी कटेगा. So this will become kw upon kb and this into c. So ye aayi h plus ki value. Now taking minus log on both sides. Taking minus log on both sides, what we get? Minus log of h plus, you will get ph. Under root ka minus log loge aap, to half bahar aayega. Minus log of kw, you get pkw. Minus log of kc, minus log of c, so sorry, and minus log of 1 by kb. Ab isko thoda manipulate karna hai. So this becomes ph is equal to half pkw minus log c. Isko minus log of 1 by kb ko main plus log of kb likh sakta hu. और अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप इस प्लस लॉग के बी को, इस प्लस को हटा के एक माइनस यहां पे और एक माइनस यहां पे भी लिख सकते हैं. और ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस लॉग के बी है, दिस बिकम्स पी के बी. तो पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, ये माइनस पी के बी और ये माइनस लॉग सी. तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया. अगर आपको सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम इस फॉर्मूले पे तब पहुंचे जब हमने ये वाला अप्रोक्सीमेशन लिया. अगर ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड ना होता तो आप फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हो. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी. वहां से एच का वैल्यू आएगा, उसको सी से मल्टीप्लाई करके फिर आप आगे बढ़ोगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये चेक करना है, रफ में चेक करना है कि एच का वैल्यू 1 से काफी छोटा है या नहीं. तो उसको चेक करने का तरीका, आप ये वाला फॉर्मूला देखिए. क्वेश्चन में के बी और सी दिया हुआ है, के डब्ल्यू आपको खुद पता है. तो आप रफ में एच की वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए. अगर 0.1 से कम आ रही है तो मतलब यही वैल्यू सही है, आप ये फॉर्मूला लगा सकते. बट अगर ये वाली वैल्यू 0.1 से ज्यादा आ रही है तो मतलब ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो. तो आपको पूरा क्वाड्रेटिक ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसके क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं. 95% क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे जेई मेंस और मेडिकल में. बट अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस में जानबूझ के क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाई जाएगी और मैक्सिमम लोग ये फॉर्मूला यूज करके आंसर गलत निकाल देंगे. आई होप इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के काफी सारे फंडा क्लियर हो गए होंगे. और भी बहुत तरीके के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हैं, तो आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू.